गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे जो एडवर्टाइजिंग का जो चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का जो ये लेसन है हमारा, यानी कि विज्ञापन से संबंधित है। तो विज्ञापन क्या होता है? विभिन्न तरह की जो भी हम टीवी सीरीज या नाटक वगैरह, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं टीवी के ऊपर, उसके बीच बीच में या फिर रेडियो के ऊपर बीच बीच में ऐड आती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, चाहे शूज की हो सकती है, डिटर्जेंट पाउडर की हो सकती है, क्लोथ्स की हो सकती है, विभिन्न तरह की बाइक, गाड़ी, किसी भी तरह मोबाइल वगैरह, तो इन सब की क्या है, ऐड आती है, उसी को एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन बोलते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग जो उसकी क्वालिटी को जाने, उसके पॉजिटिव जो फीचर्स है उनके बारे में जाने और उनको खरीदे और उनका जो ब्रांड है वो आगे और ज्यादा डेवलप हो, ठीक है। तो इसके बारे में मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ये हमने कल हाफ जो पैराग्राफ एक स्टडी किया था। उसके बाद एक ही पिक दे रखी है पेज नंबर 171। पेज पे है ये पिक है, वेयर इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, विभिन्न तरह के जो विज्ञापन है उनके आप बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, विभिन्न मूवीज लगी हुई है ऊपर ये, और दूसरी तरह के जो फ्लैक्स वगैरह हम लगे हुए हैं, ये हम हर जगह देखते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई कोचिंग सेंटर का भी हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब पीजी वगैरह है, कुछ भी है, कोई हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है कोई, उसका भी हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं इस तरह, आगे देखते हैं पैराग्राफ है, प्रोमोटिंग सेल्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। अब अपनी सेल को प्रमोट करना, मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाना, अपनी बिक्री को बढ़ाना, ये एक मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसके बिजनेस का। सो ही शी अडॉप्ट वेरियस मेथड्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम या हर, ठीक है, तो ही और शी मतलब वह जो भी लेडीज या जेंट्स में से जो भी अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो जो लोग हैं, पीपल हैं, सिटीजन्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो बार बार उसको प्रोडक्ट को परचेज करें, खरीदें और जो उसकी इनकम बढ़े या उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़े, ये सभी चाहते हैं। और इसी इसमें वो नए नए मेथड्स, नए नए तरीके खोजता है एडवर्टाइजमेंट के, टीवी पे आ सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आ सकते हैं, होल्डिंग लगा सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बैनर्स लगवा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, पर्चे पंपलेट वगैरह छपवा के किसी भी आदमी से हम बटवाते हैं, कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप देखते हैं पर्चे से बांटते मिलते हैं जेंट्स स्टाफ को या लेडीज को, भी हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह से वो पब्लिसिटी करते हैं। आगे एडवर्टाइजिंग इज वन मेथड वेयर बाय दिस गोल कैन बी अचीव। तो विज्ञापन ही ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा क्या कर सकते हो, वो अपने जो गोल है उसका, लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दिस डेज अभी के इन दिनों में कह लो, द कंपटीशन अमंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इज वेरी टफ। विभिन्न तरह की जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके बीच में क्या हो गया, अमंग का मतलब है बहुत सारी कंपनियां जो उस तरह का प्रोडक्ट बनाती है, और उनके बीच में जो है कंपटीशन, ठीक है, बिटवीन होता है दो किसी कंपनियों के बीच कंपटीशन, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं इसलिए उनके बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या हो गया, टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद इन सच ए सिचुएशन, अब ऐसी स्थिति में एडवर्टाइजिंग सर्व्स टू जनरेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा साधन है जो क्या कर सकता है, हमारी डिमांड को जनरेट करवा सकता है, यानी कि मांग को उत्पन्न करता है या मांग को पैदा करता है। कई बार ऐसा विज्ञापन होता है कि उसमें देखते ही जो लोग हैं उसको पसंद करने लग जाए, ऐसे विज्ञापन बहुत आते हैं कि पहली नजर में उनको कोई फोन है, कोई टीवी है, LCD है, LED है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इस तरह की जो भी चीजें वो देखते ही पसंद आ सकती है कि इसमें तो बहुत अच्छे फीचर्स है, और परचेज करने के लिए दौड़ पड़ती है। इट एस्टैब्लिशेस ए रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर। अब ये जो विज्ञापन है, ये कंज्यूमर और जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि निर्माता कंपनी है, निर्माता है, उसके बीच और उपभोक्ता के बीच क्या करते हैं, कड़ी का काम करते हैं और उनको जोड़ते हैं,
ठीक है, उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट ए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब विज्ञापन का सबसे पहला उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक है, जो सबसे अहम है वो क्या है कि उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की उत्पाद की मांग को बढ़ाना मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और उसके कुछ और उद्देश्य कौन से हैं? टू एनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, एनकरेज, लोगों के अंदर ये उत्साह भरना, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट को, उस वस्तु को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, लोगों को उत्साहित करना, ठीक है, लोगों को समझाना या मोटिवेट करना कि ये कितनी सी क्वालिटीज हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे है, इतनी बढ़िया मान लो कोई फोन है, इतनी बढ़िया पिक्चर आती है, इतनी बढ़िया सा कैमरा है, इतनी जो बढ़िया इसमें मेमोरी दी गई है, ठीक है, रैम है, रोम है, जो भी है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो इनकरेज होता है कोई भी आदमी उसको खरीदने के लिए कि मुझे खरीदना है, इतनी अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, दूसरे जो भी उत्पाद है उस तरह के उनसे डिफरेंशिएट करता है, यानी कि उसके अंदर अंतर बताता है, तुलना करता है, एंड कन्विंस पीपल दैट इट इज बेटर देन द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, और लोगों को बताता है, समझाता है कि इस तरह का जो भी प्रोडक्ट है इस प्राइस में और अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन पीपल्स आइज, अब उस संगठन को क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, लोगों की आंखों के सामने कि ये कंपनी है, ये ब्रांड आया है, नया है, पुराना है, जो भी है, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसकी एड आती है, तो लोगों के सामने रखते हैं उसके बारे में जो भी डिटेल है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, इंक्लूडिंग ट्रांसमिट ऑफ द लॉन्च ऑफ ए प्रोडक्ट, परचेजिंग आउटलेट्स, यूजेस द प्रोडक्ट एटसेट्रा। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन केवल या सूचना या जानकारी प्रदान की जाती है उस पर्टिकुलर या विशेष उत्पाद के बारे में या सेवा के बारे में, ठीक है, सेवा का मतलब एयरलाइन टिकट्स बाय फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे कंप्लेंट हो सकते हैं कि हवाई जहाज की टिकट यहाँ से खरीद रहे हो, क्या सेवा ही दे रहा हो, तो ठीक है, प्रोडक्ट नहीं दे रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस तरह के जो कंप्लेंट वगैरह आप लोग लगे देखते हो, 50% ऑफ, ठीक है, 60% ऑफ, इस तरह के जो भी ये क्या होते हैं, ऑफर्स होते हैं, और कंज्यूमर को क्या करते हैं, ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इंटरेस्ट बनाते हैं कंज्यूमर का। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करते हैं भाई, प्रोडक्ट, अब कोई प्रोडक्ट है कब लॉन्च होगा, मतलब मार्केट में कब आएगा, वो पहले ही उसकी एड देना शुरू कर देते हैं, उसका विज्ञापन आना शुरू हो जाता है, जैसे एप्पल, ठीक है, 11 है, 11 प्रो है, या और सैमसंग के मोबाइल है, ठीक है, उनकी एड जैसे आती है, जो न्यू मॉडल्स या 5G फोन जो है अभी आने वाले हैं। उसके बाद परचेजिंग आउटलेट, कहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो, कहाँ से आप खरीद सकते हो उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को, उसके बारे में बताते हैं। यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, और उस उत्पाद के क्या क्या यूजेज है, उपयोग क्या क्या है उसके, किस किस तरह से आप उपयोग कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी आपने घर पे रिटर्न वर्क आपका और लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।